सैम का है? अरे और जिस गौरव ने उसको फाइनली फोन कर और मिलने के लिए बुलाया और वो उसके पीछे ओडाफोन के कुत्ते की तरह चला गया। और वो तो सैम को बुरी तरह ट्रीट करते हैं। मैंने भी तुझसे झूठ बोला, मुझे कैजुअल नहीं चाहिए गौरव, मुझे तेरा प्यार चाहिए, मुझे वन नाइट स्टैंड नहीं, मुझे एवरी मॉर्निंग तेरा साथ चाहिए, मुझे डेट्स चाहिए, मुझे तेरे साथ वॉक पे जाना है, शॉपिंग करनी है, डांस करना है, खाना भी बनाना है, मुझे रोहन और रो वाला प्यार चाहिए। तुझे क्या चाहिए? जो भी तेरा हाथ पकड़ के तेरे साथ सनसेट देखना है शाम। I want to be with you. कदमों में हाँ हो जाने जा, आँखों से तस्वीर हटती नहीं है जो तू ना से क्या यार रोहन, कल गौरव के साथ मेरी पहली डेट है, मैं तुझे कोई भी कपड़ों में 10 नहीं लग रहा हूँ। तू तो हर चीज़ में 10 नंबर है मेरी जान, लेकिन वो गौरव तुझे हमेशा 0 फील कराता है, तो ज़रा सावधान रहे, सतर्क रहे। It's that time of the year for him, याद नहीं है क्या? Oh. Love Ishq Pyar. शोर मत कर यार, सो रही हूँ मैं। सॉरी है, वो क्या है ना, एक्चुअली हर रोज रोहन हमारे लिए बाहर फ्लावर लेके खड़े होते हैं, तो हमने सोचा आज हम करते हैं। वो ना कल बहुत सैड लग रहे थे। डेट क्या आज? सैड तो आज भी बहुत होगा, और बेट लगा ले आज वो कमरे के बाहर नहीं होगा। क्यों नहीं खड़े होंगे? पिछले 3 महीने से हर रोज वो हमें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए बाहर खड़े होते हैं, देखना आज भी खड़े होंगे। नहीं बता सकते यार, रोहन को बताना होता तो बता देता, पर शी शुड नो। अरे ऐसा क्या है जो हमें भी पता होना चाहिए? यार नहीं पता होना चाहिए। देख, रू से बेहतर उसे कौन रुला सकता है? गर्लफ्रेंड है वो उसकी, और लोग कितना भी बोले कि men don't cry, बट रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो किसी को भी रुला सकता है। रुलाना है ही क्यों रोहन को? और वो है कहाँ? It's not my story to tell। एक कंटाप जाने के सीधा टप्पा खा के फूल बाबू गिरोगे। जो पूछो चुपचाप बता दो, वरना गाँव के छोरे में बात है। गाँव नहीं, रोहन और उसके डैड का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। He left Rohan and his family जब वो 6 साल का था। वो वापस आए जब वो 16 साल का था, लेकिन कुछ सही करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें कैंसर था। उसकी मॉम ने उनका बहुत ख्याल रखा, but he died after 6 months। The only memory of Rohan with his father is men don't cry, so Rohan never cried even when his father died। और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। कितने सैड होंगे? नहीं, रोहन के सैडनेस का इमोशन का बटन टूटा हुआ है। वो आज तक अपने जिंदगी में कभी नहीं रोया। कभी नहीं? कभी नहीं। बेस्ट ब्रेकफास्ट इन टाउन। रेडी? अरे क्या हो गया? क्या हो गया रो? क्या हो गया? तुमने बता दिया, रोको। मैंने कहा था ना हमें कुछ नहीं बताना चाहिए था, रोको। तो क्या हुआ बता दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड है। रो हाय राम, रोहन को हमारे पर विश्वास ही नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, अगर उसने मुझसे बात नहीं की ना तो तू देख लियो। वैसे तो कोई बात मेरी सुनता नहीं, क्यों सुने अगर तुझे सही नहीं लगी थी तो। हमें उसे रुलाना होगा। क्या मतलब? ये सही नहीं है, इस तरह दिल में सब कुछ छुपा के रखना सही नहीं है। रोना बहुत जरूरी है, रोने से मन हल्का होता है, दिल साफ होता है और आंखें भी। तो प्लान क्या है? फोन खत्म हो गया यार, मैं और ले आता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, जब भी शूट में रोने का सीन होता है ना तो हम ग्लिसरीन का यूज करते हैं। कंटेंट का कीड़ा की कंटेंट का कीड़ा को सब्सक्राइब किया? अरे पूरी सीरीज बिना सब्सक्राइब किए देखोगे क्या? सब्सक्राइब करो, उससे रोना आ जाता है। अच्छे अच्छों का, लेकिन उसके आंखों में ग्लिसरीन डालेंगे कैसे? रोहन आँख खोल। सैम क्या कर रहे हो यार? आँख खोल रोहन। रोहन सैम मैन हैंडल बंद करो यार, तुम लोग रो, तू तो रो के नहीं। आँख खोल, आँख जल रही है यार, क्या कर रहे हो? रोहन आँख खोल, आँख खोल। नहीं 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 सैम नहीं यार, पागल हो क्या यार तुम लोग, आँख जला दी बिना बात के। ए दूर रहो, आना मत अभी मेरे पीछे। नहीं रोया, रू तक उतरने की जरूरत है। हाँ? है? अरे हार्ट टू हार्ट। तो क्यों पीछे पड़े हो मुझे रुलाने में? हाँ, एंड इट वाज माय स्टोरी टू टेल, राइट? क्यों बताया रो को? मैंने भी सेम बोला था श्रुति को, सच्ची। पर वो रो, उसने मुझे कानपुरिया में गाली दी। लड़ने पे आती तो दम था उसमें, चिल्ला तो ऐसे रही थी जैसे मुक्का मार देगी। तेरा भाई तेरे लिए मुक्का खा भी लेता। But she cares for you यार। तुझे याद है जब मैं 14 साल का था और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गे हूँ तो मैं कितना रोया था, और जब मुझे अपने पेरेंट्स को बताना था तो और रोया, और जब मेरे पेरेंट्स को पता चला तो वो कितना रोए थे। मॉम ने तो रो रो के नदियाँ बहा दी थी। पता है किंतु कहना क्या चाह रहा है? यही कि रोने से सब सही हो जाता है। मैं रोया, वो रोए, फिर उन्होंने मुझे अपना लिया। तू भी रो ले। Men can cry, 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 cry. Men should cry, women should cry, kids should cry, everyone should cry यार। मेरे सिंगल चाइल्ड होने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिंदगी में कुछ भी चाहिए, कुछ भी तकलीफ हो, जमीन पर लेट जाओ और रो डालो। और हमारा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा रहा, तो प्रॉमिस है ना कि हम में से कोई भी अकेला नहीं रोएगा। और तू तो हमेशा मेरे और सैम के साथ था। हमारा दिल नहीं करता है कि हम भी तेरे साथ खड़े हो जब तू रोए, हमें कभी ये मौका नहीं मिलेगा। हम तेरी आंखों में आंसू देखे भी नहीं मर जाएंगे क्या? मर्द को दर्द होता है। Men should cry. मेरे पास एक और ऑप्शन है तुझे रुलाने का। इस प्यास के सामने किसी का जोर नहीं चलता। Nothing, एक आंसू तक नहीं। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? हमारी डेट थी, रोहन के चक्कर में कैंसिल हो गई। हेल्प करना है, हेल्प। I mean I can try. All the best. Oh no, not you यार। Look, I know it's easier for girls to express. उन्हें तो शुरू से कहा जाता है to share. उनके रोने को तो diminish भी नहीं करा जाता. वैसे एक लड़के के रोने को उसकी weakness समझा जाता है. हमें तो बचपन से सिखाया गया है ना, men don't cry. And what's that saying again? मर्द को दर्द नहीं होता and all that. एटलीस्ट तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम और तीनों बहनों का सपोर्ट तो है. मेरे घर में तो मॉम, डैड, बड़ा भाई होने के बाद भी कोई साथ नहीं था. बचपन में ही भाई को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया. मॉम डैड तो पैसा कमाने में इतना बिजी थे, इनफैक्ट अब भी इतना बिजी हैं कि उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है. They don't know anything about me. मैं भी उनको नहीं जानता. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, अगर तूने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा ना तो मैं ना तेरा मुंह. तुम बहुत लकी हो, ऐसे दोस्त सबको नहीं मिलते. I'll see you later. क्या हो गया? रो क्यों रही हो? देखा, हम जब भी रोएंगे आपको हमेशा पता चल जाएगा कि हम किसी मुसीबत में और हमें आपकी ज़रूरत है. लेकिन आपके बारे में हमें कभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स हमेशा छुपा कर रखोगे. पर रो. हमारा दिल टूटता है ये सोच कर कि आप कभी नहीं रोए. पर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए कि मैं अपनी आंखों से नदियाँ बहाऊँ? नदियाँ मत बहाओ, बस फील करो. पर क्यों? क्या हो जाएगा इससे यार? क्यों ज़रूरी है ये इतना? क्योंकि हमारे पापा कभी नहीं रोए. सारी जिंदगी उन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, कोई आंसू नहीं बहाए और आज वो एक कठोर दिल के बन चुके हैं. हम नहीं चाहते कि 50 साल बाद आप एक उदास कुड़कुड़ करने वाले इंसान बनो. मतलब तुमने डिसाइड कर ही लिया है हम 50 साल तक साथ में रहने वाले हैं? हमें पता था आप हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हमारे पास कोई है जो आपको ये बात अच्छे से समझा सकता है. बस यार रो, अब तुम लोग के कोई आइडियाज काम नहीं आने वाले हैं. चलिए यार, परेशान कर दिया आज तुम लोगों ने. मम्मा, मम्मा थैंक यू. इतनी सी बात के लिए आपको अहमदाबाद से यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तेरे से बात जो करनी थी. वैसे सच कहूं तो मुझे तुझसे ये बात पहले ही कर लेनी चाहिए थी. मुझे ना आज तक नहीं समझ आया, हाउ कैन यू नॉट बी एंग्री एट हिम? आपने उन्हें वापस क्यों आने दिया? ही लेफ्ट यू, ही लेफ्ट ऑल ऑफ अस, एंड जब आपकी जरूरत पड़ी ही जस्ट केम बैक, जस्ट टू डाई इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ अस. बेटा, he came back क्योंकि he realized उन्होंने क्या खो दिया था. he came back क्योंकि वो चाहते थे कि उनके पास जितना भी टाइम बचा है वो बस हमें देखकर बिता दे. और एंगर, हाँ, I was very angry at him. लेकिन एंगर ना सिर्फ खुद को दुख देता है बच्चे, इसलिए I had to let him go. अपने बच्चों के लिए. और ऐसा नहीं है कि that he didn't love you. कुछ लोग होते हैं जो प्यार करते हैं पर बस दिखा नहीं पाते क्योंकि वो ना अपने इमोशंस को दूसरों के सामने शेयर करने से डरते हैं. इसलिए उन्होंने ना ही कभी अपना प्यार दिखाया और ना ही अपने आंसू. प्यार करना तो तुझे मैंने सिखाया, अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, स्ट्रेंजर्स से. लेकिन ये सिखाना भूल गए कि अपनों के आगे आंसू बहाना भी प्यार है. अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ है. तू ना बहुत छोटा था इसलिए शायद तुझे ये मेमोरीज याद नहीं होगी. जब तू 3 साल का था तो तेरे पापा तेरे लिए पहली बार 3 पहिए वाली साइकिल लाए थे। और ये देख, पहली बार जब तू स्कूल जा रहा था वो तुझे छोड़कर आए थे। और ये तूने ना बीच पर ही पॉटी कर दी थी, कहने लगे मैं साफ करूंगा। He loved you as much as he could, बेटा। हम पेरेंट्स के पास तो मैनुअल तो होती नहीं कि बच्चों को कैसे पाले, इसलिए कोई ना सीख जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। But you have to forgive him to be a good father someday. Understand? अक्कल है। Guys, थोड़ा विची विच हो जाए। Good witch! He's a good witch. Wait for it. 3, 2, 1. तेरा एक्स वापस आने वाला है। हाँ? तुम अपने ट्रॉमास दूसरों पर मत थोपो, पहले उन्हें खुद एक्सेप्ट करो, फिर ही दूसरे एक्सेप्ट करेंगे। You deserve better, पर तुम कुछ कर नहीं पाओगे। इसके साथ तुम्हारा कार्मिक कनेक्शन है। घर पर लड़के आई हो, बहुत टाइम लगा दूसरों को समझाने में कि कुछ करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, दूसरी लड़कियों की तरह 21 की उम्र में शादी नहीं करना चाहती, तो फिर जो करने आई हो उस पे फोकस करो। मम्मा, मैं जानता हूँ आप मेरे बारे में कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाती हो, लेकिन हमारे रिलेशनशिप के बारे में प्लीज मम्मा कुछ भी। रिलेशनशिप की तो ये कहानी है बेटा, अच्छे अच्छों को काम करना पड़ता है। रिलेशनशिप पाना मुश्किल नहीं है, पर उसे निभाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अच्छे से निभाओ। आ जाओ तुम दोनों भी। उस रश्मि चुड़ैल ने मैं बहन जी बोला। बहन जी, हम बहन जी लगते हैं क्या? लग सकती हो। आपके घर पे ना एक बड़ी ब्यूटीफुल सी लड़की रहती है ना, उनसे मिलना था। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। लव इश्क प्यार ना सब बकवास, ऐसे लव कर लो, ऐसे लव, वो तो अपने आप ही लग जाते हैं। छोटे छोटे बाल हैं उनके, बड़ी क्यूट सी हैं वो। नो, अरे यही प्रॉब्लम है हम लोगों की, जो भाव नहीं देता है उसके हम पीछे पीछे भागते हैं, और जो प्यार दिखाता है उसे हम मुंह तक नहीं लगाते। ये कौन है जिसे देखकर सबकी बोलती बंद हो गई?